Assalamu alaikum students, Zainab here, your biology teacher. Students, we have started our chapter number 3 and now we are dealing with the our topic 3.3 history of classification. Students, मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमारे पास क्लासिफिकेशन की जो सिस्टम्स हैं उनको जो हिस्ट्री है उनके बेसिकली उसके 3 फॉलोअर्स हैं, 3 लर्नर्स हैं, 3 स्टार्टर्स हैं और उसके बाद और भी हैं, कैसलपिनो भी है, जोन रे भी है, वो आपकी बुक में कॉलम बना हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा. एरिस्टोटल ने क्या किया था कि उसने 2 ग्रुप्स में किया था स्पीशीज़ को, प्लांट और एनिमेलिया में. उसके बाद अबू उस्मान अल जाहिज़ ने किया था कि उसने 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स को रीड किया था, अपनी बुक में ऐड किया था. इब्ने रुश्द ने क्या किया था कि उसने जो एरिस्टोटल ने बुक लिखी थी उसको, दी एनिमा को, उसने अरेबिक में ट्रांसलेट किया था. अब उसने ट्रांसलेट किया था तो ये हमारे पास बेसिकली 3 ट्रांसलेटर्स हैं, आप ये कह सकते हो कि 3 फॉलोअर्स हैं, बायोलॉजिस्ट हैं 3, जिन्होंने इनके लिए क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इनका नाम है जिसके थ्रू हम लोग सारी स्टडी कर सकते हैं. उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारा 3.3.1 हम लोग इसमें क्या है, इसके अंदर हमारा है 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम. सबसे पहले है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 2 किंगडम. अब स्टूडेंट 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्या? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ये है कि हम लोगों ने, मतलब जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये बताया था कि इसके अंदर हमारे पास बेसिकली उन्होंने कहा था कि 2 टाइप्स के हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं, हीट्रोट्रॉफ्स, हीट्रोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स. उन्होंने कहा था कि हम लोग सिर्फ इसको, इसके अंदर 2 ऑर्गेनिजम्स, 2 मतलब हमारे पास स्पीशीज़ होते हैं, एक हीटोट्रॉफ्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉफ्स और होते हैं, और इसके अंदर 2 किंगडम के अंदर उन्होंने सिर्फ 2 किंगडम्स को डील किया था, दैट इज़ हीटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपनी एनर्जी और अपनी जो फूड है उसको खुद बनाते हैं, और जो हीटोट्रॉफ्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स से फूड लेते हैं. ठीक है, तो ये 2 किंगडम है जिसके अंदर सिर्फ हीटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स की बात की गई है. तो इसके अलावा इसका मतलब, इसका डिफेक्ट क्या था कि इसके अंदर जो बाकी हमारे पास यूग्लिना लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फंजाए हैं या इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इसके अंदर स्टडी नहीं किया गया था, तो ये इसका ड्रॉबैक था. उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास 3.32, उसके बाद है हमारे पास 3.3.2, दैट इज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. 3.3.2 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था कि अर्नस्ट हैकेल ने ये दिया था और उसने ये बताया था कि उसने जो है ना, उसने 3 वाला जो किंगडम था जिसको प्रोटिस्टा कहा जाता है उसके अंदर भी उसने डील किया था. उसने ये बताया था कि जो यूग्लिना लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके अंदर ऑटोट्रॉफ्स के भी फीचर्स होते हैं, हीटोट्रॉफ्स के भी फीचर्स होते हैं, उनको हम लोग 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं. जब उसके अंदर पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, हीटोट्रॉफ्स हैं अदर देन जो प्रोटिस्टा है वो भी इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं, कि मतलब जो उसके जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, जो उनके जैसे फीचर्स वाले हैं उनके अंदर हम ये पढ़ सकते हैं. उसके अलावा जो इसका ड्रॉबैक था, उसका ड्रॉबैक ये था कि इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं बताया गया था कि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हैं उनका डिफरेंस क्या है, वो प्रोकैरियोट्स को क्यों अलग से कहा जाता है, यूकैरियोट्स को क्यों अलग से कहा जाता है. इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हैं इसको नहीं बताया गया था, ये उसका ड्रॉबैक था. उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास 3.3.3